हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग टू लेटर में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है मलेरिया। आज का हमारा टॉपिक जो है मलेरिया से रिलेटेड है। तो मलेरिया के अंदर हम उसके डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मलेरिया पैरासाइट। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो मलेरिया जो है बेसिकली क्या है, इसके डेफिनेशन है मलेरिया इज एन इंफेक्शियस डिजीज कॉज बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम्स क्या होते हैं, उसकी स्पीशीज है, जो इसके चार टाइप्स में हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, वायरस, सल्सवेरम, मलेरिया, ओवल। सो मलेरिया पैरासाइट जो है इन्फेक्शियस डिजीज होता है, जो किससे कॉज होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। सो दीज पैरासाइट्स आर प्राइमरली स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिल्स मॉस्क्यूटो। सो जो फीमेल एनाफिल्स मॉस्क्यूटो है बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फीमेल एनाफिल्स मॉस्क्यूटो क्या होती है, अगर किसी ह्यूमन को बाइट करती है तो क्या होता है, उसको मलेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दीज आर दी फोर मेन टाइप्स के होते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइविक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवल। सो प्लाज्मोडियम वाइविक्स जो है, प्लाज्मोडियम ओवल जो है, ये क्या करते हैं, ये रिलैप्सिस डिजीज कॉज करते हैं। रिलैप्सिस डिजीज क्या होता है फ्रेंड्स, रिलैप्सिस या रिलैप्सिंग डिजीज कॉज करते हैं। ये क्या होता है कि जब कोई डिजीज हमारी बॉडी में, अगर मलेरिया हो चुका है तो ये क्या करते हैं, दोबारा डिजीज कॉज कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। बाकी जो हमारा फाल्सिपैरम होता है और मलेरिया ही होता है, ये रिलैप्सिंग डिजीज कॉज नहीं करता। इट मीन्स अगर ये एक बार हो गया है तो दोबारा होने के चांसेस नहीं होते हैं बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मलेरिया का लाइफ साइकिल हम पढ़ने वाले हैं। सो लाइफ साइकिल इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर जो मलेरिया का लाइफ साइकिल चल रहा है, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन मॉस्क्यूटो के अंदर का लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली क्या होता है, ये फीमेल एनाफिल्स मॉस्क्यूटो है। सपोज कीजिए ये फीमेल एनाफिल्स मॉस्क्यूटो है, FAM, सॉरी मैंने ये शॉर्ट फॉर्म है फ्रेंड्स। फीमेल एनाफिल्स मॉस्क्यूटो क्या करेगी, ह्यूमन को बाइट करेगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, जो स्पोरोजॉइट्स होंगे वो इसमें ह्यूमन बॉडी में रिलीज हो गया। अब वो क्या होगा, जो स्पोरोजॉइट्स हुए हैं रिलीज, वो क्या करेंगे, लीवर सेल्स में जाएंगे, किसके, ह्यूमन के लीवर सेल से वो क्या होंगे, जो स्पोरोजॉइट्स होंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। स्पोरोजॉइट्स लीवर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बनेंगे, मीरोजॉइट्स बनेंगे। मीरोजॉइट्स बनने के बाद क्या होगा, ये जो सेल है ये बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। जब सेल बर्स्ट हो जाएगा तो काफी सारे मिलियंस ऑफ मीरोजॉइट्स जो है वो आ जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में। जब ब्लड स्ट्रीम में मीरोजॉइट्स आएंगे तो क्या होगा, आरबीसीज के ऊपर इफेक्ट करेंगे, वो आरबीसीज के ऊपर इफेक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, ये गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स कौन सी होंगी, मेल होगी और फीमेल होगी, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स बनी है, ये है ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में ये प्रेजेंट है। अब ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में जब ये गैमेट्स प्रेजेंट है, तो अगर किसी मॉस्क्यूटो ने, ठीक है, ह्यूमन को बाइट किया तो वो गैमेट्स क्या होंगे, ये टेक कर लेगा, ठीक है। अगर इसने गैमेट्स टेक कर लिया है तो क्या होगा, अगर ये फर्दर किसी और को बाइट करेगा तो वो गैमेट्स उसमें एंटर होंगे एंड देन फर्दर वो साइकिल चलेगी। तो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सिर्फ ह्यूमन का पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के अंदर कौन सी साइकिल चल रही है। तो बेसिकली क्या है, ह्यूमन के जो लीवर सेल्स में गई है, मीरोजॉइट्स बने हैं, तो ये जो हमारा साइकिल है, ये कवर करता है लीवर सेल, ठीक है। और जो ये वाला साइकिल है जो यहां से यहां चल रहा है, ये ब्लड कवर करता है। ये सारा कहां हो रहा है फंक्शन, ये वाला साइकिल जो है ये ब्लड में कवर हो रहा है, ठीक है। सो लीवर में जो साइकिल चल रही है वो बेसिकली मीरोजॉइट्स तक है। जब मीरोजॉइट्स रिलीज हो जाती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो वो क्या होता है, सारा साइकिल ब्लड स्ट्रीम में चलता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था ह्यूमन लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। अब हम पढ़ेंगे मॉस्क्यूटो लाइफ साइकिल मलेरिया के अंदर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हमारा लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्क्यूटो, और मॉस्क्यूटो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि साइकिल कैसे चलती है। सो हमने पढ़ा था अभी, जो गैमेट्स हैं वो जो ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेशन में है वो मेल और फीमेल गैमेट्स बन चुकी है। तो जब अनदर मॉस्क्यूटो ने ह्यूमन को बाइट किया तो गैमेट्स उसने ब्लड के साथ अपनी बॉडी में ले लिया है, ठीक है। सो मॉस्क्यूटो के अंदर जो साइकिल चलेगी,
आफ्टर एंटरिंग दी गैमेट्स, जब गैमेट्स एंटर कर जाएंगे मॉस्किटो के अंदर तो जो साइकिल चलेगी, अब वो ये साइकिल है। सो सबसे पहले क्या होंगी, गैमेट्स हैं, गैमेट्स जायगोट्स में कन्वर्ट होंगे एंड देन ओकाइनेट में, एंड देन ओसिस्ट, ओसिस्ट के अंदर क्या हो, काफी सारे स्पोरोजोइड्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन स्पोरोजोइड जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, स्पोरोजोइड्स क्या होगा, जो मॉस्किटो है उसके स्लाइवरी ग्लैंड में जाएगा। ठीक है, मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड में जाता है स्पोरोजोइड एंड देन जब मॉस्किटो बाइट करता है किसी ह्यूमन को तो फिर से ये साइकिल क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो ह्यूमन वाली साइकिल है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है, फिर से ये एनाफिलीज मॉस्किटो जो है किसी ह्यूमन को बाइट करेगी एंड देन फिर से वो साइकिल चलेगी, फिर से कोई मॉस्किटो गैमेट्स को टेक करेगा एंड देन फिर ये साइकिल चलेगी। ठीक है, तो ये साइकिल जो है ऐसे ही रिटर्न चलती है। तो साइकिल इन मॉस्किटो, ये मॉस्किटो के अंदर का साइकिल है, सबसे पहले गैमेट्स एंटर हुआ, गैमेट जायगोट बने, जायगोट से ओसिस्ट बना, सॉरी ओकाइनेट बना, ओकाइनेट से ओसिस्ट बने, ओसिस्ट से स्पोरोजोइट्स बने। ठीक है, तो ये थी हमारी मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल, ह्यूमन के अंदर एंड मॉस्किटो के अंदर। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं लैब डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट के लिए लैब डायग्नोसिस के अंदर हम करते हैं थिक एंड थिन स्मेयर से फ्रेंड्स आप क्या समझते हैं, जो थिक होता है बेसिकली उसकी स्लाइड जो स्मेयर बनाते हैं हम ब्लड की, वो थिक रखते हैं, मोटी रखते हैं, और थिन के लिए हम पतली स्लाइड बनाते हैं। सो ये कैसे होता है, सपोज कीजिए यहां पर मैंने दो स्लाइड बनाई है, ये है आपकी थिक स्मेयर और ये है आपकी थिन स्मेयर। ये है आपकी थिन स्मेयर। सो थिक एंड थिन स्मेयर में इतना डिफरेंस है कि ये थिक होता है और ये थिन होता है। ठीक है, सो सबसे फर्स्टली हम क्या करेंगे, पेशेंट का ब्लड सैंपल लेंगे। ठीक है, पेशेंट का ब्लड सैंपल किस में लेना है आपको, ईडीटीए कंटेनर में, ईडीटीए ट्यूब में। ठीक है, ईडीटीए ट्यूब क्या है, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, इसके अंदर आपने ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के थोड़ी देर ही बाद आपने क्या की, स्मेयर बनाई। स्मेयर कौन सी बनाएंगे आप, थिक एंड थिन स्मेयर। थिक एंड थिन स्मेयर जब आप प्रिपेयर कर लेंगे तो उसके बाद क्या है, आपको उसे ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद जब वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए देन उसको क्या करना है, उसकी जेएसबी स्ट्रेनिंग करनी है। जेएसबी स्ट्रेनिंग हमारी कौन सी स्ट्रेनिंग है, जसवंत सिंह एंड भट्टाचार्य जी स्ट्रेन। सो भट्टाचार्य जी जो हमारा स्ट्रेन है, जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्ट्रेन, ये बेसिकली टू टाइप्स में है हमारे, दो तरह के हैं, जसवंत सिंह भट्टाचार्य टू एंड जसवंत सिंह भट्टाचार्य जी वन। सो बेसिकली क्या है, इसके अंदर जब आपने स्लाइड प्रिपेयर कर ली, उसको ड्राई कर लिया, तो सबसे फर्स्टली हम जेएसबी टू के अंदर स्लाइड डिप करते हैं। ठीक है, जेएसबी टू के अंदर क्या होता है, हमारा इओसिन प्रेजेंट है जो कि बना हुआ है वाटर डिजोल्व करके। ठीक है, वाटर में डिजोल्व होकर इओसिन बना हुआ है। ठीक है, ये जेएसबी टू में आता है। ठीक है, जेएसबी टू के अंदर हम स्लाइड को 2-3 डिप देते हैं, ज्यादा नहीं, 2-3 डिप देने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, हम उसे टैप वाटर में वॉश कर देंगे, टैप वाटर के अंदर वॉश करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्लाइड आपने टैप वाटर के अंदर वॉश की है वो आप किसके अंदर डालेंगे, मिथिलीन ब्लू के अंदर, यानी JSB1 सॉल्यूशन के अंदर। JSB1 सॉल्यूशन के अंदर मिथिलीन ब्लू है जो कि डिजोल्व होके बना है एसिड से। ठीक है, एसिड डिजोल्व होके मिथिलीन ब्लू बना हुआ है। सो इसके अंदर क्या करेंगे, हम वो स्लाइड रख देंगे कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। ठीक है, 1 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, उसे वॉश कर देंगे किसके अंदर, टैप वाटर के अंदर। टैप वाटर के अंदर वॉश करने के बाद जो स्लाइड आपके पास आएगी उसको क्या करना है, आपको ड्राई करना है और उसके बाद एग्जामिन करना है माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप के अंदर आपको स्लाइड एग्जामिन करनी है, उसके बाद आपको स्क्रीन दिख जाएगा फ्रेंड्स कि आपको किस फॉर्म में दिखेंगे। आपकी काफी सारी शेप होती है, जो हमारा प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है इसके काफी सारे शेप्स है, रिंग्स फॉर्म में दिखेगी आपको। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी आपको किस तरह से दिखेगी आपको माइक्रोस्कोप के अंदर। सो बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो थिक एंड थिन स्मेयर हम प्रिपेयर करते हैं, बेसिकली क्या है हमारा, थिक में हम अलग शेप देखेंगे, थिन में हम अलग देखेंगे। जो हमारे चार टाइप्स के प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम
ओवल है, वाइवेक्स है, फैल्सिपेरम है, मलेरिया ही है, सब अलग अलग शेप के दिखेंगे आपको, डिफरेंट डिफरेंट शेप के दिखेंगे स्लाइड के अंदर। सो वो आपको ऑब्जर्व करना है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा किस तरह से दिखता है हमारा। सो जेएसबी स्टेनिंग इसमें मस्ट है कि जस्ट वन सिंग एंड भट्टाचार्जी स्टेन जो हो रहा है बेसिकली हम यूज करते हैं थिक एंड थिन स्मेयर में मलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स अब लास्ट आता है हमारा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हम किस तरह से कर सकते हैं मलेरिया से। सो बेसिकली क्या है, अगर आप बाहर जाते हैं ट्रेवल के लिए तो बहुत कॉमन सी बात है कि आप मॉस्किटो के कॉन्टेक्ट में आएंगे। बाहर काफी ऐसे एरिया होते हैं जहां भीड़ भाड़ होती है, काफी ऐसे एरिया हैं जहां पर काफी ज्यादा डस्ट होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वहां पे काफी ज्यादा गंदगी होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि ये जो मलेरिया के जो जितने भी हमारे मॉस्किटोज हैं वहां पर ग्रो कर जाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन के बारे में पता होना चाहिए जब भी आप कोई रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपका आता है अवेयरनेस ऑफ रिस्क। आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिस्क क्या क्या है मलेरिया से। मलेरिया से बेसिकली आपको क्या क्या डिजीज कॉज हो सकते हैं, आपको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपको पूरी तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो बाइट प्रिवेंशन, बाइट प्रिवेंशन से आप किस तरह बच सकते हैं। अगर आपको मॉस्किटो बाइट कर रहा है उससे आप खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो जो बेसिकली क्या है, आपको अपना जो लेग है और आर्म है ये कवर करके रखना है, ठीक है। लेग और आर्म को हमेशा कवर करके रखें, क्योंकि बेसिकली जो मॉस्किटोज होते हैं वो आर्म पे आपके आपके हाथों पे या फिर आपके लेग पे सीधा बाइट करते हैं। सो क्या है, आपको अपने लेग और आर्म कवर करके रखना है। चेक वेदर यू नीड टू टेक मलेरिया प्रिवेंशन टैबलेट। मलेरिया प्रिवेंशन टैबलेट्स आती हैं, सो आपको पता होना चाहिए कि जो मलेरियल टैबलेट है ये इसका राइट डोज जो है और उसका फिनिशिंग कोर्स क्या है, ठीक है। अगर आपको मलेरिया एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में पता होगा, मेडिसिन के बारे में पता होगा, उसके कोर्स के बारे में पता होगा, तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको एंटी मलेरियल ड्रग लेना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए, तो आपको जब भी नीड हो आप वो ले सकते हैं और उसका पूरा कोर्स खत्म होने तक ही वो कुछ इफेक्ट करेगी। एंड देन डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या है फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं, सिक हैं, ठीक है, तो उसी टाइम आप लैब में जाके अपनी टेस्टिंग करवाएंगे और डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आपका डायग्नोसिस हो जाता है आपको पता चल जाता है कि आपको मलेरिया है, तो आपका ट्रीटमेंट भी बहुत जल्दी स्टार्ट जाता है। वैसे बेसिकली इसके लिए कोई वैक्सीन बनी नहीं है अभी मलेरिया के लिए, तो इसको आपको खुद को प्रिवेंट करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है और डायग्नोसिस करवाने हैं लैब के अंदर कि आपको कोई ज्यादा आपको फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी कि आपको प्लाज्मोडियम का कौन सा पैरासाइट आपको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। प्लाज्मोडियम ओवल, फैल्सिपेरम, वाइवेक्स या फिर मलेरिया। सो बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो फैल्सिपेरम है वो काफी ज्यादा इफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। फैल्सिपेरम काफी ज्यादा इफेक्टेड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो आपको उससे प्रिवेंशन करनी है, आपको अवेयर रहना है, बाइट प्रिवेंट से बचना है एंड डायग्नोसिस, एंड देन आपको जब भी नीड हो मलेरिया प्रिवेंशन टैबलेट्स की आपको लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये थी हमारी प्रिवेंशन। सो मलेरिया पैरासाइट टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। एंड देन जो मलेरिया टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।